Alasto! Alasto! Har chaan chulan ki takkar mein sarre samaan alasto! 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 Koli lati ki sarkaar mukara! Mukara! Yaar bol de sir. Oh,
palmi di Sborba. जो भी जितने देंगे उसका लिया जाएगा अपना यहाँ रुकना होगा।
स्थानी देवी होगी शक्र कर देंगे करेंगे लाठीचार्ज को आप करेंगे तो शासन के इलाज करेंगे बच्चे और क्या इन्हें को लड्डू खुलाओगे ना यहाँ पे बगैर इलाज करे तो सरकार का जाएंगे इलाज का कहीं जगह करा देखो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत से चुनाव हुए 3,050 सीटें हैं वहां पे उन्हें 600 सीटें जीती और 200 सीटें जीती बेईमानी से तो ओरिजिनल इनको 400 सीटों पे लोगों ने वोट दिया तो और हालात भी होगी क्या अध्यक्ष होंगे बोले क्योंकि 2 महीने बाद में चुनाव होगा 2 महीने रहना कोई राह नहीं सकता अपना फिर उन्हें खास आग उनको मुकदमे लिख के ये करते हैं उनके कारोबार बंद करके और वोट अपने आप ले लेंगे अध्यक्ष होंगे 400 कैंडिडेट जीतते 3,000 में से और वो अध्यक्ष बनेंगे इनके क्योंकि ये तो ठग ठगे हो रहे चीटिंग करे और थोड़ा कुछ करे जब तक कोरोना की बीमारी चली जब तक तो भीड़ में रक्षण करवाए और अब जैसे हापुड़ जिला है शामली जिला है तो वहां पे 17-17 खड़ा वोट है आदमी को वोट डाल लगे 18 आदमी कई 40 आदमी डाल लगे वहां पे कोरोना है कि नहीं 2 महीने में कोई इलेक्शन नहीं होगा 40 आदमी वोट डाल लेंगे तो उसमें भीड़ है क्योंकि उसमें उनका सेटिंग करनी है तो भाई बेईमानों की पार्टी है इनसे बचकर रहना ठग ठग है कोई ना कोई बात करके जाऊंगे दुकान से अब और बात तो नहीं बनी कहने का भाई कोरोना फैला रहे किसान लिखते रहे वहां कभी कभी कहने का उस गाँव में इतने मर गए इतने मर गए भाई वहां आंदोलन में गए उस गांव का आदमी गया वहां हो गया उसने जाकर बीमारी फैलाई और उसे उससे आग टूट गए अब और कुछ हिलना नहीं पाया तो इसको लगा दिया तो ये है कि भाई इनका मुकाबला करना पड़ेगा और डेट का मुकाबला करना पड़ेगा जब इनका नाम उठेगा तो आज क्रांतिकारी कहने की कोई बात नहीं 6 महीने से लट्ठे में होगा अब ये लाठी से आंदोलन को दबाना चाहते हैं लाठी से आंदोलन नहीं दबेगा वहां पानीपत से आया पानीपत रोड से उसका करनाल रोड से पब्लिक हो रही थी जाम अभी लगा जब खड़े हो गए तो जाम करो इसे रुको होगा रुका होगा जब भी तो कुछ होगा तो और जगह बहुत जगह लोग सड़कों में बैठे हुए हैं तो आकर दिन क्या होगा बताएंगे हम भी बात करेंगे उनको बहुत बड़ा अपराध कर लिया भाई ये कुछ दृश्य है इस बार में लाठीचार्ज होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हैं और किसानों के अंदर बहुत आक्रोश भरा पड़ा है इस कांड को लेके तो किसान बता रहे हैं यहाँ पर बुजुर्ग महिलाओं पर भी लाठीचार्ज की गई है Thank you.
एक बार हटना हटना भाई साहब, भाई साहब आओ आओ, हटिए हटिए बहन, एक बार ताई एक बार हटिए, हटना भाई साहब एक बार, ये हमारे विक्रम मित्तल एडवोकेट हैं और टिकट साथ ही आए थे,
हमारा धरना लगातार चल रहा है किसानों के समर्थन में। हिसार की तरफ से और धरना कमेटी की तरफ से विक्रम मित्तल जी काफी वकील आए हुए हैं, आपको समर्थन देंगे। विक्रम मित्तल जी हमारे भी आप संबोधित करेंगे। माननीय सम्मान के योग्य किसानों के नेता शिव कुमार चौक किसान संघ के नेता राकेश टिकैत जी, अलग अलग जगह से आए नेतागण और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों,